नमस्कार दर्शकों, गोटेगांव विधानसभा में आम जनता का यह कार्यक्रम वेदू बरेठा गांव में आ चुका है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो विधायक हैं वो पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं एनपी प्रजापति। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से महेंद्र नागेश को प्रत्याशी बनाया है। वेदू बरेठा ये गाँव काफ़ी प्रचलित है। यहाँ की जो नवरात्रि के दौरान एक माता जी की जो आपको याद होगा मुस्कुराते हुए एक प्रतिमा का पूरे ज़िले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हुई थी। हम कुछ लोगों से बात करने की हालांकि कोशिश करेंगे कि आखिर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उनका क्या कहना है। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग, जैसा कि गांव में प्रथा रहती है कि बैठ के बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, तो कुछ बुज़ुर्गों को परेशान करने के लिए हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है बाबू जी आपका? प्रहलाद सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या कहेंगे यहाँ से जो वर्तमान में विधायक जी हैं एनपी प्रजापति जी, कैसा कार्यकाल रहा उनका? उनका कार्यकाल बढ़िया रहा लगता है। इस बार महेंद्र नागेश चूंकि भाजपा से प्रत्याशी हैं, जी टक्कर होगी या फिर एनपी प्रजापति जीत जाएंगे? अब भैया, जा तो जनता के ऊपर है, मैं अकेले तो कह नहीं सकता जवाब कि एनपी जीत रहा हो कि महेंद्र नागेश जीत रहा है। जब जनता के ऊपर है, काश है कि आजकल जनता इतनी चुस्त चालाक हो गई हम कह दें तुमसे कि एनपी जीत रहे हैं और हम वोट महेंद्र नागेश दे दें, या कह रहा है नागेश जीत रहा हो एनपी वोट। जनता के मन की कोई नहीं पाएगा तो जनता जहां डोर जाए मान। क्या कहेंगे शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी, ये दो नेता चूंकि वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उनकी योजनाओं को लेकर आपके क्या विचार है? ठाकुर साहब कैसी योजनाएं चला रहे हैं? बढ़िया योजनाएं चल रही हैं उनकी, बढ़िया योजनाएं चल रही हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, बदलनी चाहिए सरकार या फिर शिवराज सिंह? अब वैसे भैया, अब वे तो नहीं उनके भाग्य हैं, कौन को भाग जग रहा है, कौन के भाग्य में माने राजयोग लिखो है। नहीं तब पहले कमलनाथ भी जीत गए थे, नहीं सब जनता और है जनता के ऊपर, और बीच में वो गड़बड़ होगा सब रे जी विधायकों ने सब ने इतने उतने भाग दो सो फिर जहाँ की तहाँ। ठाकुर साहब, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने की चीज़ें हो, महंगाई क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में भी? महंगाई को मुद्दा तो रहे भैया, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई का मुद्दा रहेगा। एंड पटेल जी ये बताइए, पांडे जी ये बताइए, क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, यहाँ से महेंद्र नागेश भाजपा से प्रत्याशी हैं और वर्तमान जो विधायक हैं एनपी प्रजापति जी, दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन बाजी मार लेगा? ये तो अभी नहीं बता सकते, बाजी तो आगे चल के मालूम चलेगा कौन बाजी मारेगा। विधायक जी के पब्लिक बहुत चतुर है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो विधायक जी का कार्यकाल रहा एनपी प्रजापति जी का, वो कैसा रहा? वो तो देख तो रहे आप बरेठा को, विकास देखे आओ गांव में, पूरे विधायक निधि में या सांसद निधि में बरेठा में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। और जिस सब फालतू है लाडी बहना और जिस सब स्कीम सब फालतू, किसी को मिल रहा किसी को नहीं मिल रहा, पूछो वहाँ बैंक के बाजू में जाकर क्यों नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, फॉर्मेलिटी देने के बाद सब लोग चक्कर काट रहे हैं, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, जो जो वास्तव में जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। पांडे जी क्या कहेंगे महंगाई को लेकर, क्या विचार है? डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने की चीज़ हो, गैस सिलेंडर, वो अभी बढ़ेगी, 5 साल बाद बढ़ेगी महंगाई, फिर बढ़ेगी और बढ़ेगी महंगाई, महंगाई पर उस पर कोई दिक्कत नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस आएगी या फिर भाजपा? ये तो अभी नहीं बता सकते। आपको क्या लगता है कि भैया बदलनी चाहिए कि नहीं? नहीं बदलना तो चाहिए, बदलना चाहिए, लेकिन जे मैं कहता हूँ, लेकिन जे नहीं कहता किसकी सरकार बनेगी ये तो पब्लिक बताएगी। क्या नाम है बाबूजी आपका? दयाशंकर पटेल। सरपंच रहे हैं आप इस गांव से? हाँ। क्या कहेंगे जो विधायक जी हैं गोटे गांव के एनपी प्रजापति जी, कैसा कार्यकाल रहा उनका? भाई कार्यकाल के तो ठीक है, सबका झुलाइट है, मानो हमें जा तो बताओ विधायकों ने कितनी निधि गई हमारे गांव है, सांसदों ने कितनी निधि गई, सांसद निधि दाई कोई ना नहीं दाई, आप बताएंगे आप गांव कुछ नहीं दाई, क्यों नहीं दी? खावा खजिया में लगे रहे थे। भाई तुम्हें शासन दिए थे तो तुम जनता दो नहीं दो। आप सरपंच हैं, पूर्व सरपंच रहे, आपने कभी मांग की कि गांव में किस चीज की जरूरत है? आपको क्या लगता है वेदू बरेठा ये गांव है आपका, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत लगती है आपको? भाई आज के युग में हमारा तो सिद्धांत जो है कि भैया जा कमी थम पिहर रहा है, हम जाए बदल वो चाहत, मानो अब बदलें क्या से काहे के छोटी जनता चुदरू की वोट सब ले लई कौन ने जाने मोदी ने
उन्हें फ्री दे रहा हो, फ्री खुआ रहा हो, फ्री पैसा दे रहा हो। भाई वोट या कांग्रेस की बाबा ने पूरी अपना लाई। जब तो 20 साल से कांग्रेस गई उठाएगी। अब कांग्रेस लगता है आपको? तीन सिंहों ने कांग्रेस मिटा दी। कौन कौन? अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और एक और जो है तो सिवनी जिले को हरबंस सिंह, इन सिंहों ने कांग्रेस से कर दी चचरा गुटबाजी में। कमलनाथ जी को लेकर क्या बोलेंगे? कमलनाथ तो बचा हुए कांग्रेसी असली। भाई भाई हम चाहते हैं कि एक बार बने मुख्यमंत्री, मानो बन गए। अखिल में कांग्रेस से जो ने बाहर रनमन कर दी पार्टी। शिवराज सिंह चौहान कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? शिवराज सिंह है तो मुख्यमंत्री ठीक। एक बार वहाँ ने वोट ले लाई भाने जन मामा बन के जी, और जावे ले रहा हो भैया बहन बन के लाली बहना। ये योजना नई नई चला रहा है, ये में जनता पैसों में इतने की तो हो जा छोटी जनता दिग्गज नहीं हो। छोटी मेल की जनता तो वन सब अपना लाई। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई जो बढ़ रही है कि नहीं? अब महंगाई सुन तो लो, हम तो कह रहे बीड़ी के कट्टा से लेके चाय की पत्ती हर चीज की महंगाई तो आसमान छू रही। तुम बताओ तेल पेट्रोल भैया हमरे तो गाड़ी घोड़ा है नहीं। मानो हम सुना था कहीं 100 के ऊपर होगा पेट्रोल, 100 के ऊपर होगा डीजल। आपका क्या नाम है बाबूजी? हम नहीं बोल रहे। चलिए और कुछ लोग हैं। सरपंच जी ने बहुत अच्छी बात रखी है और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए आ जाइए, चाय वाले भैया को निकल जाने दीजिए। अरे भैया सरकार जी। बाबूजी क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबूजी आपका? क्या नाम है आपका? भैरव साहब पटेल। पटेल साहब क्या कहेंगे आपका जो बेदू बरेठा गाँव है, यहाँ पर जिस तरीके का विकास होना था हुआ है? विकास जो भाजपा ने किया सो कांग्रेस ने नहीं किया है। क्या भाजपा ने विकास किया? ये रोड उन्हीं के बनाए हैं, सब कुछ उन्हीं के बनाए हैं जी। अगली बार क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान फिर से आएंगे? अगली बार हमारे लिए ये लगता है कि फिर भाजपा आएगी। भाजपा फिर से आएगी तो 100% का वादा कर रहे हैं यहाँ के जो कुछ लोग हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। भैया क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक भैया क्या कहेंगे विधायक जी एनपी प्रजापति जी के कार्यों से? खुश हैं आप? अरे बिल्कुल खुश हैं। जीतेंगे इस बार? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। महेंद्र नागेश भाजपा से प्रत्याशी हैं, टक्कर रहेगी या फिर एक तरफा जीत जाएंगे? ये भाई जी नहीं बता सकते, लेकिन जीतेंगे। मुल्लू बजाओ तुम भी बोल लो। आपके गाँव में क्या लगता है किस चीज़ की कमी है? सरकारी स्कूल है तो टीचर हैं या नहीं है? अस्पताल है तो डॉक्टर हैं या नहीं है? है हाँ, सब है। अस्पताल है यहाँ पे? हाँ है। डॉक्टर हैं? वगैरह है नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं बोले जी। अस्पताल में डॉक्टर हैं? रहे थे मन पे, मौका पे एक नहीं रहे। सब मौका पे एक नहीं रहे? हाँ। का है कि सब चली जात। तो कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? शिकायत कौन कर, बड़े बड़े आदमी शिकायत कर हैं, कौन सुन रहा है छोटे आदमी? स्कूल में शिक्षक हैं यहाँ पे? स्कूल में तो शिक्षक रहते हैं। स्कूल में शिक्षक रहते हैं। क्या कहेंगे आपके गाँव का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था हुआ है? कोई विकास नहीं हो रहा। क्या मांग है आपकी? मान लीजिए कुछ आपको ऐसा लगता हो कि यार ये विकास होना था लेकिन नहीं हो पाया तो? भैया अब विकास तो सब चाह जब करें, जब तो सरपंच है, बड़ी बड़ी लोग हैं, अब छोटे लोग। विधायक जी के कार्यों से खुश हैं? विधायक एनपी प्रजापति कछु नहीं हुआ। वो कभी आते हैं आप कुछ करेंगे क्या? आखिर उनका क्या कहना है? बाबू जी कहाँ से हैं आप? हम वासन पानी। क्या कहेंगे वासन पानी में जिस तरीके का जो विधायक जी हैं एनपी प्रजापति जी, उनका कार्यकाल पूरी घोटेगांव विधानसभा हो या वासन पानी हो कैसा रहा? हम पूरी विधानसभा का तो नहीं बताते, लेकिन हमारे गांव में तो कोई 5 साल में एक दो बार आए हैं। एक दो बार ज़्यादा ज़्यादा। कोई काम आपने किए? नहीं हम करवाए हूँ नहीं, हमारा उनसे कोई काम नहीं आया अभी तक। तो क्या लगता है इस बार जो महेंद्र नागेश या एनपी प्रजापति में? ये तो भविष्य बताएगा, हम भविष्य की ज्ञाता थोड़ी है। फिर भी कमलनाथ जी या शिवराज सिंह चौहान में क्या लगता है किसकी योजनाएँ अच्छी हैं? योग्यता शिवराज चौहान में, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने कहा? नहीं नहीं, वो तो उनकी योजना 5 साल या 15 साल के अंतर्गत जितने भी काम किए सब बिल्कुल एक क्लास है। इस बार घोटेगांव से आपको लगता है घोटेगांव विधानसभा से कि भाजपा आगे रहेगी? इसमें कहने की कि इसमें दो मत की बात नहीं।
फिर भी विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके का विकास गोडेगांव विधानसभा का होना था हुआ है क्या पिछले 10-15 सालों में? क्या कमी लगती है आपको, जैसे आपसे पूछा जाए कि अभी गोडेगांव में क्या कमी लगती है? देखो, जैसे हॉस्पिटल के लिए जबलपुर जाना पड़ता है। आप हमारी बात सुनिए जी, क्या इतना बड़ा प्रांत है, 50-55 जिले हैं, तो कहीं थोड़ी 19-20 कमी तो हो सकती है, ऐसी तो हो नहीं सकती कि सब सब में एक सा हो जाए, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि 98% काम बहुत अच्छा रहा शिवराज सिंह चौहान। बाबू जी क्या नाम है पंडित जी आपका? भैया जी। बाबू जी क्या नाम है आपका? ये तखत सिंह पटेल नाम है। पटेल साहब क्या कहेंगे वर्तमान में जिस तरीके से गोडेगांव विधानसभा की चर्चा की जा रही है, क्या कहेंगे? अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पर हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल हैं, या रोजगार का कोई ऐसा बड़ा उद्योग यहाँ पर सरकार द्वारा खोला गया है, कैसा लगता है आपको, क्या कहेंगे गोडेगांव विधानसभा को लेकर? फिर भी एक बात है, यहाँ पर जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं इस समय में, योजनाएँ बहुत अच्छी हैं, जैसे अपनी बहना योजना चल रही है, लाडली बहना योजना, ये क्या है, ये गरीब के लिए इतना बड़ा इस समय साधन है। गरीब के लिए क्या मतलब, हर मध्यम वर्ग के उस आदमी के पास में पहुंच रहा है, महिला के पास कोई पैसे का कोई जरिए नहीं होता। तो इस समय जो शिवराशि की योजनाएं चल रही हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और इन योजनाओं के बाद लगता है कि सरकार उन्हीं की बननी चाहिए, अपना वापसी होना चाहिए। लेकिन महंगाई को लेकर क्या कहेंगे लगातार? महंगाई तो भैया देखो, उनका टमाटर महंगा, तो सीजनेबल जो फसलें हैं वो तो कभी महंगी होती, बरसात आ गई महंगी हो गई, अब टमाटर सस्ता हो गया, तो इनसे कोई महंगाई का वो नहीं होता। अच्छा, कुछ महंगाई नहीं होगी तो किसान का क्या होगा, आज कुछ दालें महंगी या कछु, तो किसान हो तो फायदा होगा ना भाई, किसान को देखोगे कि आप ऊपर बड़े बड़े लोगों को देखोगे भाई, किसान को तो जब दाल महंगी होगी तभी तो किसान को फायदा होगा, गेहूं महंगा होगा कछु, तब तो किसान ही फायदा है ना, फिर किसान जो वर्तमान विधायक हैं एन बी प्रजापति जी, उनके कार्यकाल को कितना संतुष्ट करेंगे? उनका तो कार्यकाल बिल्कुल कोई संतोषजनक नहीं है उनका, और उन्हीं के लोग संतोष नहीं है, और जनता तो और क्या मतलब संतोष होगी, उनसे तो कोई संतोष हो ही नहीं पाया। क्या उनकी गतिविधियाँ कुछ ऐसी रहीं कि उनका समझ ही नहीं आया कभी क्या कर रहे हैं, कहाँ है, कहाँ है उनका कोई। और जो महेंद्र नागेश हैं भाजपा से प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी महेंद्र नागेश जी, उनकी उम्मीद ऐसी है कि उनको चुनाव जीतना चाहिए, काहे कि तो उनको टिकट भी आगे दे दी गई, प्रचार भी उनका ठीक चल रहा है, तो ऐसा अपन ही जो लगता है कि शायद उन्हीं की जीत होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद लग रही है। क्या नाम है बाबू जी आपका? जी भैया क्या नाम है आपका? भैया मुनीम पटेल। मिक्स पटेल साहब क्या कहेंगे, गोडेगांव मैं ज़्यादातर जब हम लोग नरसिंहपुर से हम लोग आते हैं, नरसिंहपुर में जब हम लोग चर्चा करते हैं, कहीं गोलीकांड हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो, इसको लेकर गोडेगांव की ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं। गोडेगांव का भी रोजगार के मामले में, गोडेगांव का भी प्रतिभाओं को तराशने के मामले में कभी आगे आएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, गोलीकांड और झगड़ा की बात है तो ऐसा तो अभी विगत कुछ वर्षों से हमको नहीं सुना का ये कोई कहीं गोलीकांड या कोई झगड़ा जहाँ सा हुआ हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, और आपके नॉलेज में हो तो मैं नहीं मान सकता जानता। और विकास कार्यों की बात रही तो विकास कार्य तो भाजपा के शासनकाल में बहुत अच्छे हुए हैं, गांव-गांव सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज जहां हम बैलगाड़ी से नहीं पहुंच पाते थे वहां आज कारें जा रही हैं, तो ये भाजपा का विकास है जो आप लोग भी देख रहे हैं। क्या लगता है गोडेगांव में जो वर्तमान में जो प्रत्याशी घोषित किया है भाजपा ने, महेंद्र नागेश, भाजपा ने बहुत अच्छा प्रत्याशी घोषित किया है, और मेरे को उम्मीद है कि 100% उनकी जीत होगी। एनपी प्रजापति जी के जो वर्तमान का जो कार्यकाल रहा कैसा लगता है? अब उनका कार्यकाल तो मेरे को नहीं मालूम कैसा रहा क्या रहा, अब वो आप समझें और वो जाने। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में परफेक्ट भाजपा की सरकार बनेगी, क्लियर है। आइए कुछ और लोगों से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इसी बीच हमारे सामने से गाय माता निकल रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे वर्तमान में जिस तरीके की स्थिति गाय माता की है, चाहे भोपाल रोड चले जाएं, चाहे मंगवानी रोड चले जाएं, लखनादौन हो, जबलपुर रोड चले जाएं, जहां देखिए वहीं गाय माता की बहुत दयनीय स्थिति है, इसको लेकर क्या विचार है आपके? गाय माता के लिए विचार है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है जी, जब ही से गाय माता रोड पर मारी मारी घूम रही है, माननीय कमलनाथ जी ने जो गौशालाएँ बनवाई हैं उसके लिए प्रति गाय 2 रुपये का खर्चा आता है जी, मैं आज के समय में 221 रुपये प्रति दिन मजदूरी का है, तो गाय माता का 2 रुपये अमरण पोषण कैसे होगा, इसलिए गाय माता मारी मारी फिर रही हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग बेदूबड़ेठा गांव में आए हुए हैं, विकास को लेकर जिस तरीके के वादे किए जाते हैं, विधायक जी यहाँ से एनपी प्रजापति जी रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार भी रहे हैं, विकास हुआ है हमारे यहाँ? सबसे ज़्यादा विकास एनपी प्रजापति जी के द्वारा ही हुआ है, जो आज हम लोग खेती में खेतों खेत देख रहे हैं, लाइट है, डीपी है, खम्भे हैं, पहले जब ऊर्जा मंत्री थे तभी उन्होंने की देन थी, जो आज खेतों में लाइट है जिससे किसानी चल रही है, सिंचाई हो सकती है हम लोगों की,
और ये यहाँ पे अभी पावर हाउस है वो भी एनपी प्रजापति की देन है। यहाँ अपने टोन घाट का पूरा जो अभी जीर्णोद्धार हुआ सब एनपी प्रजापति जी ने करवाया है। यहाँ शंकराचार्य जी का बाल लीला धाम है तो वहाँ भी सब एनपी प्रजापति ने ही करवाया है। सवाल लोग कह रहे हैं कि महेंद्र नागेश सीधे साधे प्रत्याशी हैं, हो सकता है कि बाजी कुछ पलट जाए, क्या लगता है? अब हमारे या महेंद्र नागेश हमारे यहाँ से तो एनपी प्रजापति जी आएंगे आपके गाँव से? हमारे गाँव से। गाँव में ऐसी कौन सी कमी है जो लगती है कि यार ये कमी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए? हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कॉलेज होना, 12वीं तक का स्कूल है, यहाँ से कम से कम 50 गांव लगे हैं। स्कूल की आपने बात की, स्कूल में टीचर हैं? जी टीचर हैं। अस्पतालों में डॉक्टर? अस्पतालों में डॉक्टर हैं, बस कॉलेज की कमी है हमारे यहाँ, कॉलेज की कमी है। जी भैया आपका क्या नाम है? हमारा एहसान खान। एहसान भाई ये बताइए क्या लगता है, विधायक जी इस बार पुनः जीतेंगे या फिर कोई कुछ फंस जाएगा मामला? नहीं अब क्या बता सकते हैं सर, फिर भी एक अंदाजन के कैसे काम रहे उनके तो जीत जाएंगे? नहीं जीत जाएंगे ना। क्या लगता है कमलनाथ जी आएंगे या शिवराज सिंह चौहान? कमलनाथ जी आ जाएंगे। आप क्या कहेंगे भैया, एक युवा साथी हमारे साथ है, जैसे भैया ने बताया कि कॉलेज की जरूरत है, लगता है आपको? अभी कहाँ जाते हैं बच्चे कॉलेज के लिए? नरसिंहपुर। जी नरसिंहपुर कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ? यहाँ से 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं कॉलेज के लिए। क्या कहेंगे विधायक जी के कार्यों से खुश हैं आप, एनपी प्रजापति जी? विधायक जी कार्यों से खुश हैं, बरहटा के लिए। बरहटा के लिए जी। और इसके अलावा आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार जो पिछली बार बनते बनते रह गई या फिर शिवराज सिंह चौहान? प्रदेश की सरकार के लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बरहटा से तो एनपी प्रजापति जीतेंगे। सरकार बनने के बाद पता चलेगा। कुछ बहू हमारे सामने से निकल रही है मुंसिपल। बहू कहाँ जा रहे हैं आप? लाडली बहना का पैसा मिलने लगा? हाँ मिलने लगा। कितना मिलता है आपको? अबे तो एक 1000 मिले। 1000 मिलते हैं। हाँ। पेंशन मिलती है? हमें मिला था, इनकी मिला था लाडली बहना को। आपको दीदी मिलने लगी 1000 रुपए? हाँ जी। क्या कहेंगे शिवराज सिंह चौहान जो 1000 रुपए दे रहे हैं या फिर कमलनाथ जी जो 1500 का कह रहे हैं? 1000। ये देखिए शिवराज सिंह चौहान जी का जो लाडली बहना का जादू है, माताएं बहनें कह रही हैं कि 1000 से संतुष्ट हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हम जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका ये इस आगामी चुनाव को लेकर क्या वक्तव्य है। जी भैया क्या नाम है भैया आपका? मेरा इंद्र कुमार सोनी। सोनी जी क्या कहेंगे नरसिंहपुर जिले की बात करें या गोटेगांव विधानसभा की बात करें, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? सर बाजी तो बात की बात है, हम लोग तो विकास के मुद्दे को चाहते हैं। विकास होना चाहिए, हर गांव का विकास होना चाहिए, सारी योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। बाकी हमारे क्षेत्र के विधायक जी जो हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार भी अच्छा काम कर रही है, परंतु लाडली बहना का जो आप जिस पे बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं लोगों से, तो कुछ अभी उसमें कमियां ऐसी हैं जो लोग नहीं जुड़ पाए, उसको सरकार को पुनः एक बार विचार करके उन सभी लोगों को लाभ मिले तो सबको मिले, ये मेरा कहना है। जैसे आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, व्यापारी हैं आप, टैक्स भी देते हैं सरकार को, GST भी देते हैं, सब कुछ है, लगता है आपको कि 1000 रुपये महीने देकर चुनाव के एंड टाइम से उसके पहले ये योजना निकाल कर सरकार बना लेनी चाहिए? ये मतदाताओं का ऊपर है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ये मतदाताओं के ऊपर है, जैसा मतलब काम देखेंगे लोग उस हिसाब से, ये राशि के उस हिसाब से वोटिंग नहीं होती, ये तो लोग अपने रुझान व्यक्तिगत विश्वास पे प्रतिनिधि के साथ पसंद करते हैं। शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ जी? देखो जो सरकार विकास करेगी हमारे लिए तो सर्वोपरि। देख लिया आपने, फिर भी क्या करें? नहीं नहीं ये चीज क्या है, व्यापारी वर्ग ये चीज नहीं कहता, ठीक है ना? तो सोनी जी मुस्कुरा के जवाब नहीं दे पा रहे। भैया क्या नाम है आपका? अजय कुमार शाह। अजय जी क्या कहेंगे कमलनाथ जी, लग रहा है आपको आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे या शिवराज सिंह चौहान बाजी मार ले जाएंगे? जी देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि कमलनाथ जी भी अपने स्तर पर ठीक हैं और अभी जो वर्तमान में जो कई घोषणाएं हो रही हैं वो तो ठीक है कि वो ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन पहले भी जो सत्ता में हैं कुछ अच्छा कार्य वैसे नहीं किया है, सत्ताधारी जो हैं जो वो घोषणाएं कर चुके हैं उतने अच्छे कार्य भी कुछ नहीं हुए हैं। अच्छा कमलनाथ जी का ऐसा है कि वो 1 साल पिछली बार रहे तो कुछ उनने किया भी, अभी वर्तमान में ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी यहाँ के जो विधायक हैं एनपी प्रजापति जी, ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, जिस तरीके का विकास होना चाहिए था बेदू बरेठा का गोडेगांव का हुआ है। हाँ अध्यक्ष जी ने भी बहुत अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ के लिए गांव के लिए क्या किया? गांव के लिए भी बहुत से मतलब स्कूल कॉलेज उसमें अपना अस्पताल में भी कई ऐसी घोषणाएँ की हैं उनने, और नया अस्पताल बना है वो सब उन्हीं की।